राजनी हो कथा प्रारंभ होती है सुनिए वीर हनुमान जो जन जाता करिए कृपाया सजनो, मावजी रो जन्म डूंगरपुर जिला में ग्राम सावलो है जिठे भी है। संत मावजी महाराज रो चरित्र कालिंग ग्रंथ में देखो रविंद्र जी पंड्या है कणी प्रकार लखी ने लोगा ने समझाने भक्ति रो मार्ग बतलायो है। बतलायो सा रविंद्र जी पंड्या कणी प्रकार से लोगा ने समझावे है यह सगरी बात आप सगरा भाई साम लो समझाओ सा। संत वे गया माव जी महाराज हे अगम वाणी लखी रे करी जन्म लियो हे गाँव सावला मा हे उदिच ब्राह्मण घर तो बटे बाल बाल को काया ने चरा हे मुख में रचना कृष्ण रे हरि हे सगला साथी दर्शन हे माऊजी मारे लागे रे हरि आया माव जी मारा हे अगम वाणी लखी रे करी हे संत रे जा माव जी मारा हे अगम वाणी लखी रे करी सजनो अनि प्रकार रविंद्र जी पंड्या है लखी ने लोगा ने भक्ति रो मार्ग बतायो है। बताया जा माव जी महाराज बड़ा संत ज्ञानी था ग्राम सावलो जठे ओदिच ब्राह्मण रे घरे जन्म लियो पिता रो नाम करता रण सुनो सावलो बालपणारी बात देखो जनी प्रकार भगवान कृष्ण ने लीला करी है वैसी लीला माव जी महाराज करी है। करिए सा ग्वाल बाल रे साथ में वन में जाए गऊ ने चराए जनी भांति भगवान कृष्ण गोपिया रे बीच में मुरली बजावे है। हरे हरे अब कणी प्रकार से अपनी लीला माओ जी महाराज बतावे है। बताया सा संत भया महान बाव जी लीला अजब बतारी रे भगत बिहारी भगत राखव में आजा जीवन बितावे रे आज तो भया जो घर के रे माओ जी रे मन जावे रे वो तो कहो भैया कसनी बाती लीला अजब बतारे रे कर्मकार आगे की मायक बेनियो तो आवे रे हौसले रे धन माल जान हो लोगा ने तो सतावे रे बोल माऊ जी महाराज नी भक्त और भगवान नी हो। देखो जब माऊ जी महाराज
बड़ा हो जावे तो लोग वणा ने दादा केवे, क्योंकि माओ जी महाराज ने घणो अच्छो लागे और भगत तो पागल ही नहीं देवे। चोको लागे। एक समय की बात है, एक बेनियो नाम रो डाकू थो जो लोगा से धनमाल खोस लेतो और लोगा रे ऊपर घणो अत्याचार करतो थो। आहा। देखो जड़ी प्रकार कृष्ण और कंस को संवाद वे और कंस कड़ी प्रकार से लोगा रे ऊपर अत्याचार करे, वही प्रकार अणि पृथ्वी पर यो बेनियो जो है लोगा रे साथ अत्याचार करे। सजनो देखो, जब भूमि पर पाप बढ़ जावे अणि भूमि रो भार बढ़ जावे तब तब भगवान रो अवतार व्या करे है। व्या करे अणि बेनिया ने माओ जी महाराज एक बार पकड़ लेवे है और मार डाले है। मारे ऐसा लोग बड़ा खुशी भेजा है, आनंद मनावे है, कई प्रकार से माओ जी की जय जयकार करे है। अरे धन्य धन्य मारा माव जी अणि डाकू ने तो मारो, धन्य धन्य मारा माव जी ने दुखियारा दुखड़ा तो दूरा की नायो, आनंद हो गयो अब तोरे भाया लोगा तो गुण गावे रे, आनंद हो गयो अब तोरे भाया सजनो। जद यो बेनियो डाकू मर जावे तो लोगा ने बड़ो आनंद होवे। ओहो केवे धन हो मारा माव जी महाराज जो आपे सबरो दुखड़ो दूर कियो है। अणि प्रकार भगवान कृष्ण निभाती माव जी महाराज ने भी 12 वर्ष री उम्र में ज्ञान प्राप्त हो जावे। करे सा ज्ञान प्राप्त करे, ईश्वरी ज्ञान प्राप्त हुआ घट में जब चमत्कार था, फिर भी कई दुष्ट जले है। अरे देखो जो अच्छो काम करे कई लोग वहीं पे जले है। अणि प्रकार माओ जी महाराज विचार करियो कि अपना ने एकंत धाम चालनो चावे। अब माओ जी महाराज यहाँ से प्रस्थान करे है। अरे सी दो रे यहाँ से मार गी ली दो मारा माओ जी है, सी दो यहाँ से मार गी सजनो। अनि प्रकार माव जी महाराज एक धाम में चला जावे और वेणेश्वर धाम में जावे। देखो यो वेणेश्वर धाम गांव सांवला रे पास में है, करीब 5 या 6 किलोमीटर दूर है। दूर है ऐसा। वहां जाइने माव जी महाराज भगवान शंकर का दर्शन करें, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रो जप करें। हरे हरे सजनो। अनि प्रकार वेणेश्वर धाम में जाई ने अपने तपस्या करे है। तपस्या करे सा। यो वेणेश्वर धाम सोम जाखम माही नदीरा पवित्र तट पर वस्यो तको है। वेणेश्वर धाम में सिद्धि प्राप्त करवारे बाद मावजी जब अपना गांव में आवे और साधारण जीवन बिताणो प्रारंभ करे। प्रारंभ करे। एक दिन की बात है कि सपना में मावजी महाराज एक राजकुमारी से पानी ग्रहण करने और सुहाग्रा पवित्र आभूषण पहराने मणि अबलारा आंचल पर प्रणय लेख लिखने माओ जी महाराज ब्याह करे है। अपनो देखियो सा। और केवे है कि माओ जी का रूप में कुंज बिहारी है, 10वां अवतार वागड़ में ग्राम सांवला में लीनो है। तू वही जाई ने दर्शन रो लाभ लीजे। उधर राजकुमारी निंद्रा जब भंग वे और अपना आंचल पर प्रणय लेख जब लिखियो देखियो, सुहाग्रा आभूषण देखिया, हाथ में कंगन मंगल सूत्र मिलिया मिलिया सा। राजकुमारी प्रफुल्लित वहीं कई प्रकार से अपनी प्रमोच्छा करे है। कई करे केवे है कि वेणेश्वर नो पेरणो ने सोम नदी नो घाट, आबूत्रो छे आंधी नो ने जोजे मारी वाट। वाट वेणेश्वर धाम जहाँ सोम नदी रो घाट है वहाँ सुंदर आश्रम पर मारी बैठक है, वहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर जी कर जो। या वात सुनने राजा रानी बड़ा अचुंबा में पड़ जाए, चक्कर में पड़े, कई प्रकार से विचार करे है। विचार करे
राजा रानी सुन कर करने लगे विचार, ईश्वर लीला गजब बनी बड़ी अपरंपार। ईश्वर लीला गजब बनी बड़ी अपरंपार, बोल माऊजी महाराज नी जय हो। सज्जनों अणि भाती, राजा अपनी बेटी ने समझावे के बेटी तू सपना रा चक्कर में मत पड़, सपना तो एक जंजार वे है, सपना कभी सच निवे, सपना हमेशा झूठ वे है। वेशा बात सुनने माता केवा लगी बेटी, माता के वे सुन लो बेटी, मानो बात हमारी, हमारी मत पड़ना सपने के चक्कर में, क्या तुमने दिल में धारी धारी। शा बात सुनने राजकुमारी अपनी माँ से कड़ी प्रकार से केवा लगी है। अरे हाथ जोड़ी अरज करूँ माता मारी, वो हाथ जोड़ी अरज मन लो तो लागो वो मावजीरा चरणा में, सजनों राजकुमारी माता से कहे कि माता मने मावजी रा चरणा में अर्पण कर दो, कर दो। देखो मैं एक पतिव्रता नार हूं और लोग कहवे हैं कि पति परमेश्वर जान जो ने सुन जो चातुर्क नार, नार लोक पर लोक सुदर्शी तो होसी बेड़ा पार, बेड़ा पार। देखो पति स्त्री को सब कुछ होवे है और भगवान से भी बढ़कर पति को दर्जो होवे है, जो स्त्री अपना पति रो अपमान करे वह अणि जीवन में दुख भोगने अंत में नरक में जावे है। और संत महात्मा के कि मरवारे बाद मणि स्त्री को दूसरो जन्म सुकरी को यानी भंडूरी को होवे है। अरे अणि वास्ते माता मैं मारो मन मावजी महाराज चरणा में अर्पण कर दिदो है, पति स्वीकार कर लिया है, आप मने रोको मत, जावा दो जावा दो। सज्जनों बात सुनने आभूषण से सुशोभित करने राजकुमारी ने मावजी रा चरणा में अर्पण करवाने डोली तैयार करने भेजे है। भेजे सा डोली में बेटी जब राज कुमारी, देवलिया प्रताप गढ़ के पास अनि प्रकार से डोली में बैठी राजकुमारी देवलिया प्रतापगढ़ के पास उतारी उतारी। राजा रे महला रे पास में जब डोली जावे तो वहारा महारालव जी विचार करे कि मैं भी एक पतिव्रता नारी रा दर्शन करूं, करूं। और एक सती पतिव्रता रा सत्कार करूं। अरे या विचार ने जब पास में आवे लेकिन राजकुमारी रो मन जो है मावजी रा चरणा में थो, अणि वास्ते डोली आगे बढ़े आगे बढ़े। राजा भी भक्ति भाव रे साथ में डोली ने विदा कर देवे है। आगे चलने जब धाम में पहुंचे मावजी रा चरणा रा दर्शन करे कणी प्रकार से राजकुमारी मन में आनंद मनावे। अरे आनंद हो गयो अब तोरे भैया चरणा में तो जावे रे, आनंद हो गयो अब तोरे भैया छायो है आनंद बारियो, बोल मावजी महाराज की जय हो। सजनों अनि प्रकार पति के पास पहुंचे जब राजकुमारी छायो आनंद हृदय में भारी,
माओ जी महाराज रा दर्शन राजकुमारी करें। जनी प्रकार सागर नदी रो संजोग वे जैसे कृष्ण दादा रो मिलन वे अनि प्रकार सच्ची लगन सु राजकुमारी दर्शन पाया और मन में बड़ो हर्ष भी है। योशा देखो डूंगरपुर जिला में पूजपुर गांव में ऐसो केवे है कि राजकुमारी वास्ते एक सुंदर भवन को निर्माण कराने राजकुमारी बड़ी सुंदर भवन में अपनो जीवन व्यापन करे है। यू केवे शा और राजकुमारी के साथ जो पियर का सेवक जो आया था वड़ा में से धूलजी और भारतंगेरा वंशज आज भी वहां पर मौजूद है। मौजूद है अनि प्रकार मावजी महाराज ए भगवान कृष्ण की भांति बहुत सी लीला बताई जो वागड़ में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है देखो मावजी महाराज ए चार चार ब्याव रचाया है कई प्रकार से। पहला ब्याव सपन के आधारे संतों ने बतलाया है, कहीं कहीं लीला रची मारा बापूजी पारन कोई पाया है। बोलवाओ जी महाराज नी सजनों पहला ब्याह सपन के आधार पे और दूसरा ब्याह डूंगरपुर जिला का ब्राह्मणिया गामड़ा गांव में ओतिज ब्राह्मण की कन्या के साथ भी हो। योशा तीसरो ब्याह सागवारा नामक कस्बा में गुजराती पाटीदार की कन्या से भी हो। चौथो ब्याह बांसवाड़ा जिला रा गांव में ओतिज ब्राह्मण की कन्या के साथ भी हो। अरे अनि प्रकार मावजी महाराज ज्यादा पढ़िया लिखा नहीं था मावजी ज्यादा पढ़िया लिखा नहीं था जैसे सूरदास जी है कबीरदास जी की भांति मावजी की वाणी भी प्रसिद्ध थी। प्रसिद्ध भी जी और मावजी वागड़ में भगवान का रूप में मानवा लगा और लोग निष्कलंक अवतार का रूप में पूजवा लगा सा। देखो तपस्या पूर्ण व्यवहार बाद सर्वप्रथम अपनो उपदेश मावजी है सांवलारा सेठ जीवनदास और केवी दास ने श्रद्धालु पुरुष ने दियो है। दियो सा वणारी एक भक्त मंडली भी बन जावे है और कई प्रकार से मावजी महाराज उपदेश देवे है। देवे सा अरे वागड़ देश में भक्ति जताई मारा बाप जीरो पार नहीं पायो दियो अनि प्रकार मावजी महाराज ज्ञान की एक ज्योत जगाई और मावजी महाराज रा कई भक्त बने हैं। देखो उदयपुर जिला रा सलूमबर रे पास का निवासी एक बालम जी सा बांसवाड़ा जिला का मेवजीत बलवाड़ा गांव का दलजी कमेटी का उनका शिष्य बने और दलजी भक्त रो एक पंत धाम वे। अरे अरे तो बांसवाड़ा रा प्रचारक वे है भक्त बालम जी बुनकर जाति का था यानी बलई जाति का था। देखो लोग के हैं कि एक बार बालम जी ना गांव में एक जाति भोज वे है और जाति भोज जब वे है तो तरह तरह रसोई बने हैं लेकिन बालम जी रे जाति रे आधार पर वहां पर जो है कई प्रकार से लोग मांस बनावे है दारू पिए है और मजा लूटे है। अरे अरे अनि प्रकार रिवाज जब मावजी महाराज ने मालूम पड़े कई प्रकार से चर्चा चाले है। कितने चाले देगा अरे बालम जी रा गांव में एक जाति भोज हो आता में घूमे रे दारू
जी ने तो घबरा लागी, चेला ने बुलायो रे। मावा जी ने तो घबरा लागी, सजनों अनी प्रकार से कई जो है लोग दारू पिए है, मांस खावे है, या खबर जब माओ जी ने पहुंची तो अपना चेला ने बुलाने क्योंकि जाओ मणी गांव में जाओ और खबर लेने आओ और कणी समझदार ने गुड़ा गाड़ा मनक ने लाओ ताकि अपने ज्ञान उपदेश दा। अरे बात सुनने जीवन दास जी जो है जावे है और बालम जिला गांव से दो चार समझदार बुजुर्ग ने बुले ने लावे है। लावे शा? लोग जब आवे माओ जी महाराज की वे, अरे भाया थाने शर्म नहीं आवे थे मनुष्य महीने दारू पियो मांस खाओ अच्छी बात नहीं है। अरे मांस खाणो राक्षस और भोजन है, राक्षस भी मांस खावे है। था मनुष्य महीने मांस खाओ, अरे मांस खाणो बड़ो पाप है। अरे मनुष्य तो अन्न खावे, फल खावे, कंदमूल खावे है, ऐसा संत लोग के है। अरे अनी प्रकार मांस जंगली जानवर खावे है, शेर चीता भालू आदि, और थे मनक महीने मांस खाओ कतरो पड़ो पाप लागे है। पाप लागे सज्जनों अणि ज्ञान भी वातारो प्रकाश वड़ा लोग आप पे पड़वा लागो। लेकिन कुछ लोग तो अनाड़ी वेज है। एक आदमी बोलियो रे मावजी, अरे माने के समझावे, तू तो पागल है पागल, गांडो है गांडो। कणी प्रकार से वो केवा लागो, अरे गांडो रे हो गयो माव जी, माने कई बतलावे रे, पागल हो गयो माव जी, अनाड़ी केवा लागो रे माव जी, तू तो पागल है रे पागल, माने कई समझावे है। गेंडो है। और थने जदी माना कि अनी बकरा ने तू जीवतो कर दे तो मैं थारा चरणा रा दास बनी थारा चेला बन जावा। बन जावा जा। सजनो ऐसी बात होनी नहीं, माव जी महाराज तो बड़ा संत ज्ञानी था, चमत्कार बतायो और वणी में कड़े में हीच तो बकरो जीवतो कर दी दो है। ओहो, चमत्कार बतायो। बकरो जब दौड़ तो आवे लोग बड़ा अचरज में गिर जावे है और सभी लोग माओ जी महाराज चरणा में गिर जावे, केवे है माओ जी महाराज ओ मारा गुरु दातार, आप वीणा माने कूण तारे है। अरे ऐसा मां से गलती होगी और भूल में माए मांस खायो, अब आज ही मैं आपके सामने सोगंध खावा कि आज से दारू मांस सब छोड़ देवांगा। कदीर नाम नीला। सज्जनों अनी प्रकार सब लोग दारू मांस छोड़ने माओ जी का चेला बन जावे। आहा, और कनी प्रकार से माओ जी से प्रार्थना करे है। नहीं करे देगा। अरे हाथी जोड़ी आरा जी दारू यो मारा माव जी, हाथी जोड़ी आरा जी, शिष तो ना मावा चरणा माई ने, सूता ने जागा
सजनी हो सजनो। अनि प्रकार जब यो चमत्कार देखियो सभी लोग माओ जी रा चेला बन जावे, दारू मां सब छोड़ देवे। छोड़ देवे। देखो जब माओ जी रो चमत्कार जगह जगह फैलवा लगो तो डूंगरपुर रा महाराजा शिव सिंह जी ये विचार करियो। कई करियो सा। और माओ जी महाराज ने अपना महल में बुलाया है। बुलाया। कई प्रकार का प्रश्न उत्तर चलिया है। माओ जी बड़ा संत था, अवतारी पुरुष था, तो महाराजा रो प्रश्न का उत्तर सब दिया है। दिया सा। देखो महाराजा ने जब अचरज योग की महाराज प्रश्न का उत्तर सभी दिया है, मन में विचार करो अब कठिन परीक्षा लेनी चाहिए। अरे विचार करने के वा लगा, माओ जी मैं आपसे एक बात पूछूं कि आप अनि पानी पे चलने दिखा दो, ये जो गेव जो सागर है अनि पे आप चलने दिखा दो तो आप नहीं मानू। मानू। यह बात सुनने माओ जी कुछ उदास हो जावे है। और राजा ऐसी बात की संतान उदास करवा जैसी, और संतान उदास करना बड़ो पाप है। नाराज हो जावे। माओ जी महाराज केवा लागा कि राजा आप मने को कहीं पानी पे चलने बताओ, मारी बात सुन राजा, मैं कोई नटबाजीगर नहीं हूं, मैं नटबाजीगर नहीं हूं जो अनि पानी पे चलने बताओ, लेकिन मैं तने एक बात कहूं कि अनि पानी पर एक समय गधा अवश्य चलेगा। क्यों कहने नाराज वे ने माओ जी महाराज चल देवे हैं। लोग केवे हैं कि माओ जी रे जावा रे बाद एक वर्ष तक बारिश नहीं वे नहीं वे, और यो गेव जो सागर तो यो तालाब सूख जावे हैं, और संत रो वचन रो असो प्रभाव है कि वहीं पर गधा चले चले सा। अनि प्रकार माओ जी महाराज कई समाज सुधार रो चर्चा करी है, उपदेश दिया है, दिया है। और ऐसो प्रकाश कियो है कि वह चर्चा धीरे धीरे सब गांव में फैलवा लगी। अनि प्रकार माओ जी रो एक धाम पंथ सनातन धर्म की शाखा वने वेणेश्वर धाम में वन जा, और यो पंथ धर्म रो प्रचार सांवला पूंजपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा बलवाड़ा बालोदा आदि में पंथ शाखा वे जावे वे जावे। देखो माओ जी महाराज रा एक चेला था जीवन दास जी, जो माओ जी महाराज के बीच में कई प्रश्न उत्तर चले हैं। जीवन दास जी कई प्रकार से माओ जी महाराज ने पूछे है, कई पूछे देगा संत वेग्या माव जी महाराज ए आगम वाणी लखी दे हरी। जीवन दास जी माओ जी से कई प्रकार से प्रश्न करे हैं। कई करे देगा। हाथ जोड़ने केवा लागा, कई केवे देगा। हे कर जोड़ी जीवन जी बोलिया, हे कर जोड़ी जीवन जी बोलिया, संतारी वाणी न्यारी ए कौन सी नगरी स्थान तुम्हारो, बात तो है निर्वाणी है हो जी। Yeah।
दीपक ज्योति रे हो जी। अरे पुण्य धार कण जल जब हो तो केस गेले बैठो रे कण आधार घड़ू लिया ले कुण भरे पानी हार है हो जी। हाथ के ता हाथ ने जनी प्रकार से भी गिर देनी के ता लोग वे पार है हो जी। देखो जद जीवन दास जी कणी प्रकाश से के है कि कर जोड़ी जीवन जी बोलिया सुनो स्वामी बात मारी मारी कुणसी नगरी स्थान तुम्हारो बात के वो निर्वाणी कुण देशरा मंडल कहावा कुण करे ता राज कुण प्रधान के विशी नगरी शोभा के वो नी महाराज। भाई भाई कैसा महल करी मन महिमा कैसी विंध्या चलनार कैसी पोल विरजारे द्वारे कुण कुण पोड़े द्वार द्वार कैसी नौबत बाजी कैसा घड़ू लिया कैसी पनियारी भरती पानी जो माने सुनाओ। देखो चेला जीवन दास जी माऊ जी से प्रश्न करे है कहे है कि ये आत्मा क्या है आत्मा कहाँ से आती है और आत्मा कहाँ जाती है जाती है ये शरीर की रचना कैसे होती है मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है यह सृष्टि किसने बनाई है और इस सुंदर सृष्टि का संचालन कैसे होता है ये सारी बात आप मने बताओ बताओ सा। देखो उत्तर में मावजी महाराज अपना शिष्य ने कणी प्रकार से समझावे है कणी प्रकार में समझावे अरे एक नगरी हो अनुपम वसियो एक नगरी हो अनुपम वसियो बहुत सूत्र रच गेरी है भुवन सब्जी की झील लगी है हाथ गले भर बोरी है हो जी। वचन तमोली हाट है हो जी। हाँ। पेली कोरे गणपत बेटा दूजे ब्रह्मा देव रे तीजे दरवाजे विष्णु विराजा चौथे रुद्र करे सेवहे हो जी। उत्तर में माऊ जी महाराज केवे हैं कि एक नगरी यो अनुपम वसियो बहुत सूत्र रचे देरी भुवंसी सब्जी लगी हाट अतली घनी गेरी एवेस काटे चले वसंता रुचि शस्त्र त्यागी क्रोड़ फ्रोड़िया देख वसंता मुझ पर संता मिल गया नारी अनंत कोट किला की शोभा पोर दरवाजा बाजार पेली पोर गणपत बेठा दूजी ब्रह्मा देव तीजे दरवाजे विष्णु विराजा चौथे रुद्र करे सेव देहो गुरा की पांचवे पौड़ मन मेहता विराजा छठे शक्ति कुमारी
त्रिपुरिया सुहावना दिखे सातवो राज द्वारो। भाई भाई देखो जठे गंगा जमुना रो कोमल नीर सुहावनो, पांच पच्चीस पणियार नव योनी अति अंग रूपारी वरण वरण अठारा। एक थांबा पे महल वण्यो है काचे कली करी जारी, एक जीव्या कहो नहीं जावे कारीगरी री अति शोभा। आहा कई केणी बात है। तापर हेम सिंहासन बैठा अमर ठोरती नौ सो नारी, अनाद साज नौबत वाजे राग छत्तीस गुण गावे। गावे अपना चेला ने समझा नहीं, माओ जी महाराज संत वाणी में कई प्रकार से फिर केवे है। नहीं समझावे देखा। अरे मेले हेरा मन मिता जी बेटा लखत जगत की बाती रे आन खणी के हाथ मचारे, ए सामा मनोहर का जी है हो जी सजनो। माओ जी के है कि माओ मनोहर क्रोध उतरियो मेहता जी को बंद खुलायो, शरीर लंबा अंगो अंग समाया साई को नाम संचारियो, आज को जोगी निरंतर भोगी रहूं सकल सो न्यारो, कहत मनोहर दास जीवन को या नगरी असल हमारी। ये हो बुरा की। सजनो अब आगल वाणी में माओ जी महाराज कई केवे है, कई केवे देखा और कई अपना हगरा भाई लोग हमरे है। समझाओ भगवान नी। जय हो। देखो माओ जी महाराज भविष्यवाणी करी है, करी सा और या वागड़ी भाषा है, अनिरो हिंदी अनुवाद भी आप सुनो ना कि प्रथम वर्ष में ये भविष्यवाणी की थी कि महान दिग्गज राजाओं को जो प्रजा का शोषण कर रहे हैं उनका मान भंग होगा, भंग होगा, उनकी मान हानि होगी और देखो राजा एक ही होगा, राजा और प्रजा का भेद मिट जाएगा और खंडों में जो विभाजित होने से उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे जाएंगे। फिर दूसरे वर्ष में निष्कलंक जी ने भविष्यवाणी की और उस भविष्यवाणी के द्वारा संकेत दिया। क्या दिया? कि अनदेखी वर्षों का भी अवलोकन उपयोग होगा और श्री मावजी महाराज ने यहाँ तक बताया है कि पुरुष की लंबाई 32 हाथ होने का भी उल्लेख किया है। माशाल्लाह। और विभिन्न चिन्हों से युक्त ध्वजाएं फहराई जाएगी, 14 भुवन में पाखंडियों के अत्याचार फैल जाने से कुंवरियों के दल लज्जित होंगे। ये हो गुरा की। साथ ही भयानक झगड़े दंगे प्रसाद होंगे किंतु इसका परिणाम कुलीन होगा, यद्यपि आसुरों का अंत सोगतमा सब पुरुषों के आगे नतमस्तक होंगे, ऐसे क्षमायान सहानुभूति रखने वाले 16 कलाओं से युक्त होंगे। वंदनीय श्री माओ जी ने प्रतिवर्ष में तो मानो सचमुच ही शिव के तीसरे नेत्र के परार्थम का यथार्थ कराया है। कराया था। उन्होंने बताया कि ऐसा समय भी निकट है कि समुद्र के तूफान के माफिक कई दुष्ट दानव खड़ग के प्रहार में बहकर रुद्र रूपी तूफान के शिकार होंगे और दानवों के विनाश के बाद चतुर्थ वर्ष में अन्न की लहर जगमगाएगी। अरे उन्होंने कहा कि सूर्या रानी पृथ्वी पर आकर 16 श्रृंगार धारण कर प्रभु का गुणगान करेगी करेगी। पंचम वर्ष में श्री माओ जी ने असंभव को संभव दर्शाया। क्या बात है। उनका कथन है कि श्वेत घोड़े पर विराजमान ध्वल वस्त्र व धवल सनगार से सुशोभित निष्कलंक की जगह अवतार होगा होगा। तब सदियों से सोए वीर सपूत अपनी वार्ता दर्शाएंगे, अर्थात उनका परिवर्तन होगा। जैसे समुद्र का खारा जल मीठा होगा,
परंपरागत बेलों द्वारा होने वाली खेती का भार बेलों से हट जाएगा। लोग समुद्र के किनारे कोदारी द्वारा खेती करके भी अधिक उत्पादन करेंगे तथा कभी नहीं फूलने वाले पौधे भी फल फूल से अलंकृत होंगे। श्री माओ जी ने यहाँ तक सम्मत माना है कि हस्तनी के दूध से मटकियां भरी जाएगी, सही कहनी बात है, तथा ऊंटनी बकरी के दूधों से मक्खन प्राप्त होगा। ऐसे समय में आजकल के धनी मानी दिग्गज अहंकारी जल रूपी शेर दीनहीन असहाय व निर्दयी रूपी बकरियों के साथ बांधेंगे, अर्थात समानता होगी। गंगा का प्रभाव भी बढ़ जाएगा। इस भयानक कलयुग में वेद पुराणों के दर्शनों के साथ साथ ब्रह्म कर्म का भी लोप हो जाएगा, बराबर भी जाएगा। ये नहीं माला व यज्ञोपवीत कोई ही धारण करेंगे। ऐसा समय आएगा कि कर्महीन तथा निम्न लोग उत्तम कहलाएंगे। अरे इस प्रकार ऊंच नीच का भेद सब मिट जाएगा। आगे उजागर करते हुए व्यक्त किया है कि डेढ़कली गांव में श्री मेघवाल का निवास होगा। एवं अपनी कन्या मेघली के पानी ग्रहण हेतु निष्कलंक जी से प्रार्थना करी है कि हे नाथ, रानी मेघली का पानी ग्रहण कर सफल मनोरथ पूर्ण करो एवं शाला कटारे क्षेत्र में आप अपने सिंहासन को धारण करो। इस प्रकार जब इस संसार में अत्याचार पाप धर्म की ग्लानी बढ़ती है तब श्री निष्कलंक जी का जन्म लेकर दुष्टों व दानवों का नाश कर धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान का अवतार होता है। हरे हरे। देखो सज्जनों, इस प्रकार संतों की वाणी बड़ी पवित्र वाणी होती है और जो मनुष्य जीवन लेकर के संतों की बातों में आकर के उनके ज्ञान के प्रभाव में आकर के और मनुष्य कर्म को सही रास्ते पर नहीं चलाता है उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है। देहो गुरा की। किसी कवि ने कहा है कि मानुष तन पायो रे बंदा जीती बाजी हारे क्यों। मानुष तन पायो रे बंदा जीती बाजी हारे क्यों, जीवन जैसी मीठी जगत में और जीवन जैसी कड़वी क्या। ब्राह्मण होकर वेद न जाने वो ब्राह्मण ब्रह्मचारी क्या, और साधु होकर चेली पारे वो साधु तपधारी क्या। क्या बात है। विधवा होकर इत्र लगाए उसने आत्मा मारी क्या, और अपने पति को जहर दे वो पतिव्रता नारी क्या। क्या भाई। अपने मित्र से कपट रखे उस यार से यारी क्या, और हाकम होकर हुक्म नहीं जाने उसकी औदादारी क्या। भाई भाई। कहे मचंदर सुनो गोरख नहीं माने तो कहना क्या। सज्जनों, इस प्रकार संतों की वाणी में ईश्वर दर्शन होता है। हमेशा संतों के चरणों में संतों के वचनों में हर प्राणी को रहना चाहिए। इस प्रकार संत माओजी महाराज एक अवतारी पुरुष थे और श्री रविंद्र जी पंड्या ने लिख करके इस प्रकार लोगों को जो भक्ति का मार्ग दिखाया है, लोगों को भक्ति की राह पर जो चलाया है वो सराहनीय है। और अब किस प्रकार से रविंद्र जी पंड्या फिर भक्त लोगों से कहते हैं, क्या कहते हैं, संत वे ज्ञा माव जी महाराज देखनी सुनो भालो बाल पनारी वाह एक रत्नी भांति लीला को करी ये संत वेग्या माव जी महाराज ये अगम वाणी लगी देखनी कैसेट के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। गायक बालूगिरी गोस्वामी ग्राम सेजावता किला रतलाम, ढोलक वादक मोतीलाल जी साहब रिकॉर्डिंग कर रहे हमारे साथी गण और बड़े आनंद के साथ में प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में जो सहयोग दिया है सभी भक्तों का सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
अरे संत वे क्या भाव जी महाराज, हे अगम वाणी लगी रे करी। अरे सुनो हमरो सांवरा री बात, अरे दुखिया रा तू दुखा रे हरी। बढ़ेला आज अरे संतारी तो कृपा रे करी। थोड़े हमने ज्ञान बढ़ेला आज अरे संतारी तो कृपा रे करी। अरे संत भैया मावजी महाराज, ए अगम वाणी लगी रे करी। अरे संत वे क्या माव जी महाराज, ए अगम वाणी लगी रे करी। बोलवा जी महाराज की, बोलवे सरधाम की। संगीत की दुनिया में विनय कैसेट्स पेश करते हैं राजस्थानी गीत, मालवी, निमाड़ी, लोकगीत, कथा, भजन, कव्वाली और कवि सम्मेलन की विशाल श्रृंखला सिर्फ आपके लिए। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम, रागी जो सुनाए रागिनी, हर मन को मिले आराम।